दोस्तों पूरे प्रदेश में संविदा विनियमितीकरण नियमावली 2020 का विरोध हो रहा है, उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनको ये नियमावली बहुत अच्छी लग रही है, वो इनके पक्ष में है। यहाँ तक की बात की जाए तो इस नियमावली के विरोध में विधायक भी आ गए हैं, वो भी छात्रों के समर्थन में ही हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये नियमावली बहुत ही घातक है, छात्रों को गुलाम बना देने वाली ये नियमावली है, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनको गुलाम बनाने के लिए भी एक बीजेपी की योजना है। लेकिन कौन ऐसे छात्र जिनको ये नियमावली बहुत अच्छी लग रही है वो उनके पक्ष में? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये कुछ ऐसे छात्र हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना नहीं चाहते क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते। सरकारी नौकरी करने वाले वे छात्र जो मेहनत करना चाहते हैं वो तो उनके विरोध में हैं ही, लेकिन जो मेहनत करने से डर रहे हैं उनको ये नियमावली बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ अभी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि नई व्यवस्था से चयनित कर्मियों की बढ़ेगी दक्षता, 5 साल संविदा पर रखने के फैसले का युवाओं ने किया स्वागत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ फोटो भी दी गई हैं। अब नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि सदर विकास खंड के बिच्छी गांव के रहने वाली प्रतिभा और रॉबर्ट्सगंज के दरोगा गली मोहल्ले की निवासिनी आकांक्षा सोनी का कहना है कि सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना बनाई है। इस दौरान उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुबंध सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बचेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति का कानून बनाया जाना बिल्कुल सही है। कहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से योग्य युवक व युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो नियमावली लाई है इसमें छमाही मूल्यांकन होगा, ये सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी कुछ फोटो भी दी गई हैं। वहीं पर जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं इनका भी कहना है कि ये नियमावली बिल्कुल सही है और ये भी इसके पूरे समर्थन में है। वहीं पर जो युवा हैं इसके विरोध में हैं और कुछ और लोग भी हैं, जैसे राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी इसका ये बताया है कि विरोध किया और कहा है कि ये जो नियमावली है युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने का एक तरीका है बीजेपी का। ठीक है, और युवा मंच है और सभी छात्र इसका विरोध करें। वास्तव में देखा जाए तो ये नियमावली बहुत ही घातक है, युवाओं को बिल्कुल गुलाम बना देने वाली ये नियमावली है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है मेरा, जिसमें मैंने MKPI के पूरे 5 नियम बताए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और दोस्तों ये अपडेट आप लोग दे सकते हैं, जो लोग ये सोच करके निश्चिंत बैठे हैं कि आने वाली भर्तियों पर लागू होगा, हमारी भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये भी आप लोग दे सकते हैं। लिखा है जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है उनके ऊपर भी ये नियमावली लागू होगी। लिखा है पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया भी नई नियमावली के दायरे में होगी। सरकारी नौकरियों के नई नीति लाने की तैयारी हो रही है। कैबिनेट से अगर इसका अप्रूवल मिल गया दोस्तों तो फिलहाल अगले माह तक ये नीति पारित हो सकती है, अगले माह तक ये मतलब आ सकती है, लागू हो सकती है। तो इसका आप लोग जोरों से विरोध करिए। वहीं पर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो विधायक हैं अजय कुमार लल्लू ने, इन्होंने छात्रों का समर्थन किया है और कहा है कि ये जो नियमावली है ये बिल्कुल एक तरीके से गुलाम बनाने के लिए लाई गई है। 15/9/2020 का ही है लेटर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 पेज का ये लेटर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता सकता हूँ, फिलहाल यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिए। इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि क्या क्या यहाँ पर नुकसान छात्रों के साथ होगा। यहाँ पर लिखा है प्रस्तावित नई संविदा विनियमितीकरण की नीति से युवाओं का निम्न प्रकार से शोषण होगा। लिखा है समूह खा व समूह ग के शुरुआती 5 वर्षों तक उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। इसके बाद 5 वर्षों बाद छटनी हो जाए, इसके पश्चात बहुत कम संख्या में संविदा कर्मियों को मौलिक नियुक्ति प्राप्त हो सकी। अब इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए आप लोग देख लीजिए कि संविदा कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में असक्त हो चुके, बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो जॉब के दौरान असक्त हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या कोई ऐसी विपदा आ जाती है जिससे अयोग्य हो जाते हैं, या फिर वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि दुर्घटना का शिकार हो चुके, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर शोषण का शिकार हो चुके और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे वर्ग के संविदा कर्मचारी अपनी आवाज़ किसी भी स्तर पर नहीं उठा पाएंगे और उनकी सेवाएं आसानी से समाप्त की जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों विरोध होता
जो कर्मचारी अपना विरोध भी जता नहीं पाएंगे, क्योंकि नियमावली में यह भी स्पष्ट है कि अगर आपकी लड़ाकू प्रवृत्ति है, आप अयोग्य हैं, तो फिर आप लोगों को कभी भी बाहर किया जा सकता है। अब यहाँ पर इनकी कुछ मांगे हैं, वो देख लीजिए। लिखा है, संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी संगठनों की सदस्यता और संवेदनाएँ प्राप्त नहीं हो सकेंगी। अब इनका क्या कहना है, अंत में सार देख लीजिए। लिखा है, प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल होने के नाते उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं को नियमित नौकरियों पर भर्ती एवं नियमित रूप से पदोन्नति न दिए जाने की नीति की भर्त्सना करती है। अधोस्ताक्षरी द्वारा दिनांक के पत्र के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा पर भारतीयों की नई नीति के माध्यम से युवाओं का शोषण करने का मन बना लिया है, जिसके लिए देश और प्रदेश का युवक कभी क्षमा नहीं करेगा। नीचे लिखा है, अभी भी समय है जबकि सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अन्यथा उसे बेरोजगार युवाओं के श्राप का भाजन करना होगा, जिसके कारण समाज में कानून व्यवस्था, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विघटन एवं अराजकता का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूखा व समूखा के पदों पर नियुक्ति संविदा पर विनियमती के नियमावली 2020 पर कार्रवाई तत्काल रूप से रोक दी जाए। यहाँ पर कहा गया कि जो नियमावली उस पर रोक लगा दी जाए तुरंत। नीचे दिया गया था, पुनः सुझाव है कि अधोस्ताक्षरी द्वारा 22/8/2020 को प्रेषित पत्र गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश में सभी पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाए, जिसमें वर्तमान समय में संविदा के कर्मचारियों को भी शामिल करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ तथा वे भी सरकार को पूर्व में दी गई सेवाओं के अनुभव का लाभ दे सके। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो विधायक है कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी द्वारा, इन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा है कि जो नीतियाँ बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, युवाओं को गुलाम बनाने के लिए ये नीति लागू की गई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी छात्रों को जगाइए। अगर ये नीति लागू हो गई तो फिर सभी का नुकसान है इसमें, चाहे जो सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत है या आने वाले टाइम पर सरकारी नौकरी पाना चाहता है। ये जो नियमावली है सभी के लिए घातक है, इसलिए इसका विरोध जताइए, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर सड़कों पर उतरना पड़े। ठीक है, जितना विरोध करेंगे उतना सरकार तक आप लोगों की बातें पहुंचेगी, और हो सकता है सरकार इस नियमावली को रोक दे। अगर सरकार इस नियमावली को रोक देती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सभी के लिए आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही बुरा होने वाला है। और दोस्तों, जिन मित्रों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि नियमावली कैसे काम करेगी, MKPI फार्मूला कैसे काम करेगा, किस तरीके से आपके अंकों का निर्धारण होगा, छमाही में जो आपका मूल्यांकन होगा किस तरीके से होगा, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो 5 फार्मूले बताए गए, 5 नियम बताए गए कैसे काम करेंगे, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।